नमस्ते जी, आज हम बनाने जा रहे हैं मटर बचे हुए राजमा और बचे हुए चने मसाले की। चने मसाले को दोबारा छौंक कर हम सब्जी बनाएंगे ग्रेवी वाली। हमने चूल्हे में कढ़ाई रख दी है, अब हम रिफाइंड डालेंगे। रिफाइंड को गर्म होने देंगे, हमारा तेल गर्म हो गया। अब हम लेंगे खड़े मसाले, एक दालचीनी का टुकड़ा, एक छोटी इलायची, दो लौंग, दो काली मिर्च और एक बड़ी इलायची, इनको हम डाल देंगे। फिर उसके बाद डालेंगे थोड़े से जीरा, फिर डालेंगे हींग। अब हम डालेंगे सूखे हुए कड़ी पत्ते और हम डालेंगे प्याज। हम डालेंगे अदरक का पेस्ट और लहसुन का पेस्ट, और अब डालेंगे अदरक का पेस्ट। अब पहले हमने लहसुन का पेस्ट डाला, अब अदरक का, इनको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। हमारे प्याज अच्छी तरह फ्राई हो गए, अब हम इसको टमाटरों को डालेंगे। टमाटर को बारीक बारीक काट देंगे, हम टमाटरों को अच्छी तरह पकाएंगे। और हम नमक डालेंगे टमाटर के बाद, नमक कम ही डालेंगे क्योंकि हम बनी हुई सब्जी को छौंक रहे हैं दोबारा, उसमें भी नमक डाला हुआ है। थोड़ी सी लाल मिर्च क्योंकि पहले भी डाल रखी है हमने, बनी हुई सब्जी को छौंक रहे हैं इसलिए इसमें मसाले सारे पहले डले हुए हैं, इसलिए थोड़े थोड़े मसाले डालेंगे। थोड़ा सा चाट मसाला, एक चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर और थोड़े से हल्दी पाउडर, इस सबको डाल के और मसाले को हम अच्छी तरह भून लेंगे जब तक हमारा मसाला तेल ना छोड़ ले। मसाले हमारे अच्छी तरह भून गए और इसमें हम डालेंगे कटे हुए हरे धनिए के डंठल, थोड़ी सी पत्तियाँ, थोड़े से डंठल, इनको भी अच्छी तरह मिक्स कर देंगे, इससे टेस्ट अच्छा आता है। अब हम डालेंगे जो उबले हुए मटर हैं वो डालेंगे, जो बच गए थे उबले हुए मटर थोड़े से। ये हमने मसाले के साथ अच्छी तरह मिक्स कर दिए। अब हम डालेंगे राजमा जो बचे हुए थे थोड़े से, इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। ये भी हमने अच्छी तरह मिक्स कर दिए, राजमा मटर मिक्स कर दिए। अब हम डालेंगे चना मसाला, ये चना मसाले को मिक्स कर देंगे। हमने सारी बची हुई सब्जियां डाल दी हैं, अब हम इसमें डालेंगे पानी। क्योंकि हमने चावलों की ग्रेवी बनानी है इसलिए हम पानी ज़्यादा डालेंगे। आप भी ऐसे बना सकते हो, कई बार थोड़ी थोड़ी सब्जियां बच जाती है, कटोरियों में सब्जी बच जाती है तो उसको मिक्स करके आप भी ऐसे छौंक लगा के दोबारा बनाएं, टेस्टी बनती है। अब हम लगाएंगे ढक्कन और एक उबाल आने देंगे। हमारी सब्जी उबल गई है, हम इसका ढक्कन खोलेंगे, चेक करेंगे। ये बन गई हमारी सब्जी, अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला, उसको मिक्स कर लेंगे गरम मसाले को। अब हम कर देंगे गैस बंद, हमने गैस बंद कर लिया। ये बन गई हमारी मिक्स बची हुई सब्जियों को दोबारा छौंक कर एकदम टेस्टी सब्जी। अब हम इसके ऊपर डालेंगे धनिया, हरे धनिया से गार्निश करेंगे। ये बन गई हमारी बची हुई सब्जियों से एकदम टेस्टी सब्जी दोबारा छौंक कर। आप भी ऐसे कर सकते हो, कई बार फ्रिज में थोड़ी थोड़ी सब्जियाँ कटोरियों में बच जाती तो उसको छौंक के दोबारा सब्जी बना सकते हो मिक्स करके।
हमारी फ्रिज थोड़ी थोड़ी सब्जियां बच जाती है फ्रिज में, एक एक कटोरियां कई बार सब्जियां बच जाती हैं, उन सब्जियों को मिक्स करके हम दोबारा छौंक कर दोबारा सब्जी बना सकते हैं। अब हम इसे किसी बर्तन चावलों के साथ खाएंगे। ये बन गई हमारी बची हुई सब्जियों की मिक्स सब्जी। एक बार दोबारा छौंक कर सब्जी बना दी। ये सब्जी बची हुई थी राजमा, चना मसाला, उबले हुए मटर बचे हुए थे, हमने दोबारा छौंक कर चावलों के साथ खाने के लिए बना दी तरी वाली सब्जी। आप भी ऐसे बना सकते हो। कभी कई बार सब्जियां थोड़ी थोड़ी सब्जियां कटोरियों में बची रहती है फ्रिज में, उनको दोबारा छौंक कर आप दोबारा बना छौंक कर सब्जी बना सकते हो। ये खाने के लिए तैयार हो गए हमारे चावल और मिक्स सब्जी बची हुई को दोबारा छौंका है।